नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे ये स्टोरी के प्लेटफॉर्म पर। फिर से हाजिर हो गया हूं मैं एक नई स्टोरी के साथ। शुरू करते हैं स्टोरी। एक बार एक गरीब था जिसके दो बच्चे थे, बीबी थी, लेकिन वो इतना गरीब था कि वो दो समय का खाना भी अपने बीबी बच्चों को दे नहीं पाता था। निरंतर ये यातना से वो दुखी हो गया और एक रात को वो सब कुछ छोड़कर चला गया। सब कुछ छोड़कर वो तालाब के पास जा रहा था, तब भी उन्होंने बुद्ध भगवान के साथ उनके भिक्षुओं को बैठा हुआ देखा। उसने तय कर लिया कि मैं बुद्ध का शिष्य बन जाऊंगा। उन्होंने बुद्ध से विनती की कि हो भांते, आप मुझे अपना शिष्य मुझे बना दीजिए। बुद्ध ने अपने काफले के साथ उसको ले लिया। चलते चलते वो लोग आगे गए। दोपहर हो गई थी और दोपहर में बहुत सारी धूप आ रही थी, उसकी वजह से बुद्ध ने आराम करने का सोचा। अपनी मंडली के साथ, अपने शिष्यों के साथ वो एक पेड़ के नीचे बैठे और उनको बहुत प्यास लगी थी। बुद्ध ने नए शिष्य को बोला कि जाओ, नजदीक में एक तालाब है, वहां से पानी लेकर आओ। शिष्य गया। शिष्य पानी लेने गया तो वहां पर बहुत सारे प्राणी थे जो यहाँ वहां सरोवर में, नदी में कूद रहे थे। वो भिक्खु को देखकर वो प्राणी चले गए, लेकिन उनकी कूदने से बहुत सारे पत्ते ऊपर की सतह पे आ गए थे, कीचड़ ऊपर की सतह पे आ गया था और पानी बिगड़ गया था। इसकी वजह से वो पानी भरे बिना ही बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने पूछा, आप पानी नहीं लाए? शिष्य ने कहा, पानी बहुत ही गंदा था, कीचड़ वाला था, मैं क्या करूं, आपके लिए थोड़ी ना मैं ऐसा पानी लाता। बुद्ध ने कहा, अब वापिस आप जाओ और पानी लेकर आओ। वो आज्ञा को मानकर सोचते सोचते मन में दुविधा के साथ जाता रहा कि बुद्ध को ऐसा खराब पानी मैं पिलाऊंगा। लेकिन जब भी वो सरोवर के पास, तालाब के पास वो पहुंचा, तब वो आश्चर्यचकित हो गया। पानी स्थिर हो गया था, वो कीचड़ का दव था नीचे बैठ गया था, कचरा नीचे बैठ गया था, वही निर्मल पानी था। वो पानी भरकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध को वो पानी पिलाया। तब भी बुद्ध हंसे और बुद्ध ने कहा कि हमारा मन भी इस तरीके से ही कार्य करता है। जब भी हमारे मन पर विचार हावी होते हैं, तब भी वो विचार रूपी कीचड़ की वजह से हमारा मन मैला हो जाता है और कुछ भी सोच नहीं पाता, निर्णय ले नहीं पाता। तो ये जो मन है, जो मन का कीचड़ है, वो कीचड़ के विचारों रूपी कीचड़ को शांत होने देना चाहिए। अगर वो शांत हो जाएंगे तो फिर से मन वो सरोवर के पानी की तरह निर्मल हो जाएगा और एक आप अगाध शांति की अनुभूति करेंगे। ये सुनते ही वो जो शिष्य था, उसे विचार आया कि मैंने यही मन के मेलेपन और विचारों के आरोह अवरोह में मेरे घर को छोड़ दिया, ये तो मैंने गलती कर दी। उन्होंने बुद्ध के पास से जाने की अनुमति मांगी। बुद्ध हंसे, उन्हें अनुमति दी और वो शांत मन के साथ अपने घर लौट गया। और फिर धीरे 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 मानसिकता में उसकी गरीबी दूर हुई, शारीरिक रूप से गरीबी दूर हुई और बहुत ही आनंद से वो अपना जीवन अपने बीबी बच्चों के साथ यापन करता रहा। तो मित्रों, ये स्टोरी से हमें ये मालूम पड़ता है कि मन में विचार रूपी कीचड़ का आवागमन होता है, तभी आपका मन मेला होता है और तभी कोई निर्णय आप शांति से नहीं ले पाते। ये विचार को थमने दे, ये कीचड़ को बैठने दे, और अगर ये कीचड़ बैठ जाएगा तो आपका मन निर्मल सरोवर के जल की तरह हो जाएगा और हर एक चीज प्रतिबिंबित हो जाएगी और आप आनंद रूपी जीवन यापन कर पाओगे। तो आज के दिन, आज की स्टोरी में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से आपका सहायक मित्र आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए डॉक्टर भाविक स्वाध्याय को इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।